तो जी स्वागत है आज का तकनीकी संबंधित समाचार में, यानी कि वेलकम टू टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट। और आज के न्यूज के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका अनबॉक्सिंग आज हुआ चैनल के ऊपर। ये है माइक्रोमैक्स का इन वन बी, जो सस्ता वाला 8000 वाला फोन है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और पहली खबर की आज बात करते हैं तो वो है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी बड्स प्रो जो कि 2021 में आने वाला है, एलॉन्ग विथ गैलेक्सी S21 उसके साथ लॉन्च होने वाला है, वो FC Saturn लिस्टिंग हो चुका है। फोटो आप देख सकते हैं, ये रेंडर इमेजेस है, आप देख सकते हैं किस तरह आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं क्वालकॉम के बारे में। तो क्वालकॉम का 7 सीरीज का नया चिपसेट आने वाला है, इस महीने नहीं है 2021 को, जनवरी के महीने ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपीट करेगा मीडियाटेक का जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है 6 nm वाला प्रोसेसर, और उसके साथ साथ जो एग्नस का 8010 वाला प्रोसेसर उसके साथ कंपीट करने के लिए क्वालकॉम ने इसको लॉन्च करने वाला है। अगली खबर की बात करते हैं वीवो के बारे में। तो वीवो का एक नया फोन आने वाला है पुराने नेम के साथ, जी हाँ, आने वाला है Y51। और ये 2015 में पहले लॉन्च हुआ था, उसके बाद भी लॉन्च हुआ था, अब नया अवतार में आपको ये देखने को मिल जाएगा। फोटो आप देखिए किस तरह आपको देखने को मिला, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको 48MP का कैमरा देखने को मिलेगा, 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, और क्वालकॉम का 6 सीरीज का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं पोको के बारे में। तो पोको का सेल शुरू हो गया है, 3 से लेकर 6 तारीख तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको Poco X2, Poco X3 इन सब में आपको ऑफर देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं Xiaomi के बारे में। तो Xiaomi का एक नया फोन आने वाला है जो कि क्वालकॉम का 888 प्रोसेसर के साथ देखने को मिला, जो कि 5nm वाला चिपसेट है, और क्वालकॉम का अगले साल का यानी कि 21 का फ्लैक्सी लेवल का चिपसेट होगा, उसके साथ सबसे पहला वाला फोन ये होने वाला है। फोटो आप देख सकते हैं, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बॉर्डरलेस वाला डिस्प्ले देखने को मिले, यानी कि किसी भी तरफ पे आपको बेजल ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अली खबर की बात करते हैं वो भी Xiaomi के बारे में। तो Xiaomi का एक टीवी आने वाला है, और ये ब्लूटूथ SSD लिस्टिंग हो चुका है, और इसका जो साइज होगा 75 इंच वाला आपको ये टीवी देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो लाभा के बारे में। और लाभा का सिर्फ बैटरी ही यहाँ पे BIS में लिस्टिंग हो रहा है, और ऐसा बताया कि ये एक और एक नया फोन आने वाला है, उसका बैटरी BIS लिस्टिंग हो चुका है। फोटो आप देख सकते हैं, तो फोन कब आएगा पता नहीं, जैसे कि माइक्रोमैक्स का आ गया बहुत दिनों के बाद, लेकिन लाभा का अब तक ऐसा कुछ हटके वाला फोन नहीं दिखा है। आने वाला है, जब आएगा उसके बारे में डिटेल से बता देंगे, अभी तो सिर्फ BIS में बैटरी ही लिस्टिंग हुआ है। अली खबर की बात करते हैं ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो का रेनो 5 आपको पता हो कि उसका कल इमेजेस में दिखाया था कि लाइव इमेजेस ऐसा फोन आपको देखने को मिलने वाला है, तो आज उसका डेट कंफर्म हो चुका है, 10 दिसंबर को ये लॉन्च होने वाला है। रेनो 5 प्रो, रेनो 5 दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। अली खबर की बात करें इन्फिनिक्स के बारे में। तो इन्फिनिक्स का 08i ये इंडिया में आज लॉन्च हो गया है। प्राइस की बात करो 15,000 रुपीज में आपको देखने को मिल जाएगा, और 90,000 रुपए से वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 48MP का कैमरा आपको मिल जाएगा, G90T वाला यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको दिसंबर 9 से फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स ने कुछ अच्छा फोन लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको G90 वाला प्रोसेसर मिल रहा है, ऊपर से यहाँ पे आपको RGB का रैम मिल रहा है, और यहाँ पे 90Hz वाला पैनल भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है अच्छा फोन है या नहीं इस प्राइस को देखते हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब आखिर में बात करते हैं रियलमी के बारे में। तो रियलमी का TWS को पता होगा, बड्स क्यू मिलता है और बड्स प्रो भी मिलता है, तो ये दोनों का सक्सेसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये इनोसेंट टेलीकॉम में एक सर्टिफिकेशन में लिस्टिंग हो चुका है रियलमी का बड्स क्यू 2। एंड दूसरी तरफ बात करते हैं बड्स एयर 2 की, तो ये भी FC Saturn में लिस्टिंग हो चुका है। फोटो आप देख सकते हो, तो ये दोनों बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का स्वीट एंड शॉर्ट टेक्नोलॉजी इंसर्ट, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल, मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।